बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला के 3 महीने की बच्ची को अलाव में फेंक दिया। पीड़िता ने आनन फानन में बच्ची को गोद में उठा लिया, लेकिन तब तक बच्ची का पैर बुरी तरह से जल गया। ये घटना बोछा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बच्ची का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बोछा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला अपने घर के बाहर अलाव जलाकर ताप रही थी। उसे अकेला देख गांव के ही मोहम्मद अकलू ने अलाव तापने के बहाने वहां बैठकर महिला के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। महिला ने जब इसका विरोध करना शुरू किया तो आरोपी ने महिला की गोद में 3 माह की बेटी को छीनकर अलाव में फेंक दिया और फरार हो गया। महिला ने फौरन आग से बच्ची को निकाला, लेकिन तब तक बच्ची का पैर बुरी तरह से जल गया था। घटना के बाद पीड़िता जब थाने गई, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की तो पीड़िता एसएसपी के पास गई। एसएसपी की पहल पर बोछा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। पीड़िता के पति ने बताया कि मेरी पत्नी घर के दरवाजे के बाहर ठंड होने के कारण अलाव से ताप रही थी। उसी दौरान पड़ोसी अकलू आया और मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस पूरे मामले पर डीएसपी वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि पुलिस केस की छानबीन शुरू कर दी गई है। मामले में 341, 323, 354, 307 धारा समेत छेड़खानी की भी धारा में केस दर्ज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।